आप सब लोगों को और स्पेशली जीबी एडमिनिस्ट्रेशन गिलगित बल्तिस्तान का चीफ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। हायर एजुकेशन कमीशन इस्लामाबाद, इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोगों में से कितने लोग हैं स्टूडेंट्स जिनको पता है कि हायर एजुकेशन कमीशन एक इदारा है जो हायर एजुकेशन को डील करता है। अगर हाथ आप खड़े कर दें कि आपने सुना है HEC हायर एजुकेशन कमीशन के बारे में। माशा एनीवन एल्स? अच्छा, हायर एजुकेशन कमीशन का जब तसव्वुर या नाम आता है तो बुनियादी तौर पे जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं बच्चे और बच्चियाँ, वो बच्चियाँ जो FSC में फाइनल ईयर के एग्ज़ाम दे रही हो और यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में जाना चाह रही हैं, तो वो हमारा बुनियादी स्टेक होल्डर है और दैट इज़ द गोल्ड माइन जिस पे हम इन्वेस्ट करते हैं। और हमारा यकीन है कि जो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, कि अगर हम एक बेहतरीन इंसान को ट्रेन करेंगे तो वो पूरे मुल्क की तकदीर को चेंज करेगा। और इसके साथ साथ इस पर भी बिलीफ है कि एजुकेट वन में यू आर एजुकेटिंग अ मैन, बट वेन यू एजुकेट अ फीमेल यू आर एजुकेटिंग द होल फैमिली। इसका जो इम्पैक्ट है द फीमेल स्टूडेंट्स का वो ज़्यादा है। तो मेरी प्रेजेंटेशन अगर आपको स्टार्ट कर रहे ताकि मैं HEC के बारे में थोड़ा सा आपको बता सकूं कि हमने गिलगित बल्तिस्तान के लिए हायर एजुकेशन कमीशन के क्या इनिशिएटिव्स हैं और किस तरह उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है इस प्रोविंस में, और उसके बाद आपके लिए कौन से मौके हैं जिनसे आप बेनिफिट ले सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जो HEC ने गिलगित बल्तिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ को दिए हैं, जिसमें अगर आप देखेंगे तो कराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को 8 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट दिए और 1184.59 मिलियन के हैं। और उसके बाद हमने सब कैंपसेस 3 इस्टेब्लिश किए हैं कराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड हैं, जिसमें हुंजा, ग्यामर और गेजर है। और ये हायर एजुकेशन की फैसिलिटीज़ जो FSC के बाद बच्चे पढ़ते हैं तो वहाँ सब कैंपसेस में ये पढ़ सकते हैं। तो ओवरऑल 13 प्रोजेक्ट्स हैं और इस वक्त उनकी टोटल कास्ट 3.6 अरब है और जिसमें से 95.5% उनकी यूटिलाइजेशन है। इन यूनिवर्सिटीज़ में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज़ जो मिलेंगी, सिविल वर्क, लैब इक्विपमेंट और पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, फीमेल हॉस्टल्स, वो हायर एजुकेशन कमीशन के प्रोजेक्ट से फंडेड हैं। इवन आपको वहाँ पे बेस्ट फैकल्टी मिलेगी और प्लस में ये जो दूर दराज के इलाके थे जहाँ पे हमने 3 सब कैंपसेस बनाए हैं हुंजा, जामिर और गिजर में, यहाँ पे आपको 60% फीमेल्स इनरोल मिलेगी, यानी 40% मेल कैंडिडेट्स हैं और 60% फीमेल है और उनकी इनरोलमेंट 2000 के करीब है। तो ये हमारी एक अचीवमेंट है इस रीजन में कि हम इन रिमोट एरियाज में फीमेल्स के लिए हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज लाएंगे। अच्छा, ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो इस वक्त 7 कंप्लीट हो गए हैं और 4 आ गए हैं। तो इसमें भी जो आप कॉस्ट देखेंगे तो बिलियंस ऑफ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट है। तो उस हवाले से ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं जिनमें से 7-8 कंप्लीट हो गए हैं और इसमें 3 जो प्रोजेक्ट्स हैं नीचे जो आप कैंपसेस देख रहे हैं जिनका मैंने पहले ही जिक्र किया।
एक तो प्रोक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो इस वक्त एक टॉप रेपुटेड यूनिवर्सिटी है, और उसके साथ हमने एक यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान इस्कर्दू उसको भी फंडिंग करके इस्टेब्लिश किया, और उसके भी तकरीबन ऑलमोस्ट 1.7 बिलियन की फंडिंग है, जहाँ पे आपको सारी अलाइड फैसिलिटीज जीपी स्टूडेंट्स के लिए है। अच्छा, ये तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे जो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ को एचईसी ने फंडिंग की है। उसके अलावा रिकरिंग बजट भी एचईसी को देते हैं, जिसमें वो फैकल्टी को इंडक्ट करते हैं और उनकी जो सैलरीज हैं वो भी एचईसी की तरफ से उनको फंडिंग होती है। अच्छा, ये इससे ज़्यादा आपका इंटरेस्ट इसमें होगा कि हायर एजुकेशन कमीशन आपके लिए क्या कर सकता है एज ए स्टूडेंट जो एफएससी के बच्चे हैं। तो उस हवाले से अब जो मेरी स्लाइड्स हैं वो आपके लिए है। इसमें एक हमारे पास स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो आप देखेंगे, अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान टू स्टडी इन टॉप लीडिंग यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान। ये बेसिकली जो 400 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं उसमें हम फुली फंडेड स्कॉलरशिप देते हैं, और ये प्रोजेक्ट एक्सक्लूसिवली सिर्फ उन लोकल बच्चों के लिए है जो जीबी के गिलगित बल्तिस्तान के डोमिसाइल होल्डर हैं, और जिन्होंने मैट्रिक भी गिलगित बल्तिस्तान के इदारों से किया है और एफएससी भी गिलगित बल्तिस्तान से। तो ये प्योरली लोकल स्टूडेंट है, और इसमें आपका कंपटीशन अपने ही स्टूडेंट्स के साथ है, यानी इसमें और कोई रीजन अप्लाई नहीं कर सकता। तो लास्ट ईयर भी हमने 75 बच्चों को सिलेक्ट करके मुख्तलिफ पाकिस्तानी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में इंडक्ट किया, और वो अब बढ़ रहे हैं। और इस साल हमारा टारगेट है कि हम आप में से 100 जो बेस्ट बचे हों उनको अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में फुली फंडेड करें। इसकी जो तफसील है वो हमारी एचईसी वेबसाइट पे है, और अभी हम ये बाय द एंड ऑफ अगस्त इसी में हम एडवर्टाइज कर रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी खासतौर पे जो बच्चे बच्चियाँ एफएससी कर चुके हैं और आगे बीएस प्रोग्राम के लिए इंटरेस्टेड हैं इन ऑल डिसिप्लिन्स। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि बच्चे जो करियर काउंसलिंग के हवाले से यहाँ पे स्टकअप होते हैं कि एफएससी करने के बाद बच्चा क्या करे, तो उसमें जो हमारी गाइडलाइंस हैं कि सबसे पहले तो पेरेंट्स के लिए होती है कि वो अपना डिसीशन इम्पोज बच्चे के ऊपर ना करें, क्योंकि बच्चा या बच्ची उनसे आप पूछें, काउंसलिंग करें कि व्हाट डज शी वांट टू डू, वो करना क्या चाहती है, उसका पैशंस क्या है, और जिस भी फील्ड में जाए जिस भी एरिया में जाए, क्योंकि ऑल फील्ड्स एक बहस चलती है कि जी इंजीनियरिंग इम्पॉर्टेंट है, मेडिकल इम्पॉर्टेंट है, सोशल साइंसेज इम्पॉर्टेंट है, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज इम्पॉर्टेंट है। इस सिलसिले में मैं आपको क्लैरिटी के साथ बताऊँ कि सारी फील्ड सारे सब्जेक्ट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट है। कोई भी सब्जेक्ट कोई भी फील्ड ऐसे नहीं है कि कोई ज़्यादा रिस्पेक्टेबल फील्ड है और कोई कम है। बुनियादी तौर पे जो मसला होता है कि आपका जो टैलेंट है आप उस फील्ड में जो एक्सेल कर रहे हैं ये प्रॉब्लम है। अगर आप बहुत अच्छे डॉक्टर नहीं हैं और आपने अच्छी स्टडी नहीं की तो आपसे वो बच्ची बहुत बेहतर है जिसने मैं कहूँ कि सोशोलॉजी में पढ़ा, इकोनॉमिक्स को पढ़ा, या किसी और सब्जेक्ट को पढ़ा, इवन लैंग्वेजेस को पढ़ा। एक्चुअली जो जहाँ पे हम मार्क्स आते हैं वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है। एरिया सब्जेक्ट और डिसिप्लिन कोई भी कम नहीं है। मैं आपको ये 20 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि अगर आपने अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, स्कूल लेवल पे एक अच्छी स्टडी की है और आपके पास पूरी नॉलेज है, तो नॉलेज इज़ योर पावर, स्किल इज़ योर पावर, चाहे वो किसी भी एरिया हो। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर वो कौन सी एरियाज़ हैं जिनमें खतरनाक हद तक हमें कमी हो गई है उन बच्चों बच्चियों को उन एरियाज़ में, और पाकिस्तान की नीड है उसमें दो एरियाज़ में हाईलाइट करूँगा, एक नर्सिंग और एक मिडवाइफरी। ये ऐसे दो एरियाज़ हैं जिसमें पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा नीड है, और ज़्यादातर बच्चे बच्चियाँ जिनकी इंग्लिश अच्छी है उनको गल्फ कंट्रीज़ लेके जा रहे हैं 5 से 8 लाख के पैकेज के, और जो बच्चे बच्चियाँ
सोशल इश्यूज की वजह से, पेरेंटल इश्यूज की वजह से पाकिस्तान में उनको अलो नहीं होता बाहर जाना, तो वो यहाँ पे काम कर रही है नर्सिंग को लेके। लेकिन उसमें भी हमने HEC ने एक इनिशिएटिव लिया कि इसके प्रोग्राम की क्वालिटी को इम्प्रूव करें और मिडवाइफरी को के भी इंस्टीट्यूट ओपन करें, क्योंकि जो पाकिस्तान की डेथ रेट्स हैं और फीमेल्स में जो अवेयरनेस नहीं है जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है, तो उसमें HEC ने इंस्टीट्यूट और पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग का आइडिया दिया और प्लस में इनको एफिलिएट किया यूनिवर्सिटियों के साथ, ताकि नर्सिंग का जो स्टैंडर्ड है और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो इम्प्रूव